गाइज, मेरा नाम है रोहित और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग सब मेरी नई फैमिली हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मेरी नई फैमिली है, तो उन लोगों ने अभी तक मेरा फेस देखा नहीं था, तो उनके लिए ये फेस रिवील हो रहा है इस वीडियो में, और उसके बाद वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो का टॉपिक है डेली ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे आप सब लोगों की इच्छा थी, आपके कमेंट्स किए जा रहे थे कि भाई फेस दिखा दो, या फिर कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि इसका फेस गंदा होगा इसीलिए वीडियो में नहीं दिखाता है, तो ऐसा फेस है, अब आप लोग देख लो गंदा है या अच्छा है तो आप लोग कमेंट्स में बता देना। तो लेट्स प्ले दी वीडियो। ओके, बैक टू दी चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डेली ऑब्जर्वेशन के बेस पर, हर रोज जो चीज़ें मैं देखता हूँ उसके ऑब्जर्वेशन पे ये वीडियो होने वाला है। तो गाइस, कैमरा एंगल कैसे आ रहा है, सब कुछ कैसा है, ठीक है तो बताइएगा कमेंट्स में। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया। बाकी आप लोग बोलो, आप लोग कैसे हो गाइस? काफ़ी दिनों से व्लॉग में आया है बिकॉज मेरे कुछ काम चल रहे थे, इसके लिए लिटरली सॉरी गाइस। और जल्दी मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एक डेली ऑब्जर्वेशन के बेस पर, मतलब आसपास में क्या चीज़ें होती है, क्या स्पेशल होता है, या फिर कैसे क्या होता है, हमारे सिटी की ट्रैफिक कैसी है, हमारे सिटी में कहाँ पर कौन सी जगह किस तरह की है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ 90 पे और महामंडल भी भाग रही है मेरे साथ, तो एक बस वाले के पीछे 50 लोग बैठे होते हैं, तो उसे थोड़ा सा समझना चाहिए उस वाले ड्राइवर को कि अपने पीछे 50 लोगों की जान है, थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गवर्नमेंट बसेस जितने भी है, जितने भी प्राइवेट बसेस है जो कि 50 सीटर है एंड उससे भी आप सारे रिस्की ड्राइविंग करते हैं। तो भाई, अगर कोई ऐसा बंदा मेरा ब्लॉग देख रहा हो तो प्लीज़ बुरा मत मानो, प्लीज़ आपके पीछे कई सारे जाने बैठी हुई होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा धीरे चलाया करो। बस मेरा इतना ही मैसेज देने का मकसद था। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा आवाज़ किस हद तक रिकॉर्ड हो रहा है और किस हद तक ये हो रहा है, मतलब विंड ब्लास्ट हो रहा है। लाल परी थोड़ी सी मैली मैली हो रखी है बिकॉज मैं मॉर्निंग से घूम रहा हूँ आज। गाइज, मैं आया था बदनापुर, आकाश को ड्रॉप करना था, उसे जाना था कहीं बाहर, तो और उसका एक और एक दोस्त था, मतलब जो कि जा रहा था बदनापुर से, उसने कहा मुझे ड्रॉप कर ले, कर दे बदनापुर तक और फिर वहाँ से आगे मैं चला जाऊँगा। गाइज, अकेले चलते हुए जो व्लॉग बनता है ना वो काफ़ी सही बनता है। अगर हम लोग किसी के साथ होते हैं तो अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते बिकॉज हम लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उस बंदे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऑल अराउंड में, मतलब हमारे अराउंड में क्या हो रहा है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते। कमेंट डाउन गाइस। इतना रफली मैं नहीं चलता हूँ हमारे रोड्स पे, अभी ये 4 लाइन है तो इस पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इसमें हमें सिर्फ सामने वाले को संभालना होता है, मतलब सामने से कोई आता नहीं है, जो हमारे सामने हमारे साइड पर ही चल रहा है उसे ही संभालना होता है। हमारे रोड पे सामने से भी गाड़ी आती है 2 लाइन होने के वजह से। अब ये भाई देखो, ये तो घुस गए, पर नहीं, मेरे लिए उन्होंने वेट किया, इसके लिए थैंक यू। अभी यहाँ पर गांव है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो चलता ही है इतना उतना। गाइस, मॉर्निंग में क्या हुआ था, एक पिकअप वाला भाई था, उसने मुझे सीधा डायरेक्टली रोड से नीचे उतार दिया था। अगर ऐसा रोड होता तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाता। जो 2 लाइन था वैसा ही था, हाईवे था गाइस, मुंबई नागपुर हाईवे जो कि हमारे विलेज से जाता है, हर रोज़ जो आप ब्लॉग में देखते हो वो वाला हाईवे था। तो क्या हुआ, मैं ऐसे पिकअप को ओवरटेक कर रहा था और सडनली उसने मुझे नीचे दबा दिया, और फिर क्या बाद में कलेश हो गया गाइस। बिकॉज बात ऐसी हुई कि जैसे ही मैं पिकअप को ओवरटेक मारने के लिए निकला तो वो भी बंदा निकला और उसने मुझे नीचे, पूरा नीचे रोड से नीचे दबा दिया, और फिर बाद में मैंने ओवरटेक मारा तो वो मुझ पर ही चढ़ने लगा था। फिर मैंने कहा कि तेरे कानों में, दोनों कानों में हेडफोन था, मैं हॉर्न बजा रहा था पर तब भी तू सुन रहा नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं था मेरे कानों में हेडफोन, तो फिर मैंने कहा शूटिंग दिखा दूँ तुझे, तो फिर उस बंदे ने कहा सॉरी भाई मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया। फिर मुझे ही काफ़ी बुरा लगा बिकॉज मैं उन पर चिल्लाया था पहले, पर अगर मैं नहीं चिल्लाता या फिर मैं नहीं कहता कि मेरे गोप्रो में सब रिकॉर्ड हुआ है
मैं दिखा सकता हूँ आपको, तो वो उनकी गलती नहीं मानते थे गाइस। और वैसे भी मेरा झगड़ा करने का कोई प्लान नहीं था, पर वो मेरी जान ले लेते थे इसलिए उनसे बात करनी पड़ी। तीन तीन ट्रक एक साथ चल रहे हैं, अब ये भी इधर ना आ जाए, इसको इन्फॉर्म कर देते हैं पहले, फिर बाद में ओवरटेक मारते हैं, बिकॉज़ मॉर्निंग में हमारे साथ एक सीन हो चुका है जो कि जस्ट मैंने आपको बताया। अब इन भाई का तो इंडिकेटर पहले से ऑन है और ऑन ही रखेंगे वो, तो हमें समझेगा नहीं उन्हें जाना किधर है। जब भी बाइक पे हो आप खुद को बचाए रखना बड़े व्हीकल्स से, बिकॉज़ अगर बड़े व्हीकल्स के साथ अगर हमारा एक्सीडेंट होता है या कुछ भी अनहोनी हो जाती है, जो कि ना हो लेकिन हो जाती है, तो हमारे जान जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। हमें जाने दो भैया, गाइस जब जब रोड मुझे खाली मिलता है तो मैं बिंदास भगाता हूँ, बिकॉज इस रोड पे कोई बीच में घुसने के मतलब घुसने का चांस ही नहीं होता है 99%, पर हमारे रोड्स पे कोई ना कोई बीच में आते रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा धीरे चलना पड़ता है। इस रोड पे बस हमें गड्ढे देखना है और जो लोग मिनिमम स्पीड पे चलते हैं उन्हें संभालना है। बाकी आप बोलो डेली ऑब्जर्वेशन सीरीज स्टार्ट करें या नहीं, आप सब लोग देखोगे, अगर आप सब लोग देखोगे तो ही मैं स्टार्ट करूँगा, अगर आप लोग नहीं देखने वाले हो तो फिर मैं क्यों स्टार्ट करूँ यार। तेरा करो गिन 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 अच्छा पिया आए बाहर। चार पाँच ग्यारह बारह तेरह तेरह करो गिन 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 गिन। गाइस जो नए लोग हैं उनके लिए मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा, बिकॉज आप लोग डायरेक्टली व्लॉग, मैं डायरेक्टली व्लॉग आजकल डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ, अपना फेस रिवील भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी गाइस। फेस में कुछ ख़राबी है ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी फेस रिवील कर देंगे आप सब के लिए, और जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है वो लोग अब मेरे पुराने व्लॉग्स में जाकर मेरा फेस देख सकते हो। कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू गोबर जैसा दिखता है क्या। हाँ भाई दिखता हूँ गोबर जैसा, तुझे क्या करना है, मतलब किसी करनी है मेरे साथ, कुछ भी यार कुछ भी, मतलब गजब हो आप लोग भी। कोई बीच में ना घुसे बस, हमारे मोटो व्लॉगर्स की कहानी कुछ ऐसी होती है, हर रोज़ किसी ना किसी से भिड़ना पड़ता है तब आप लोग जाके देखते हो व्लॉग, पर मैं वैसा कुछ भी करने वाला हूँ नहीं। तो प्लीज़ जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता व्लॉग आएगा, झगड़ा देखने को मिलेगा, ऐसी कोई भी बात अपने चैनल पर होने वाली नहीं है। हाँ अगर सिचुएशन वैसे बनते हैं मतलब झगड़े करने जैसे, या फिर कोई हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो फिर हम भी संत नहीं है गाइस, हम भी उसी भाषा में बताएंगे जिस भाषा में सामने वाला हमसे बात करेंगे। गाइस मैं अगर आपको बोल दूँ कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, नहीं मुझे दिखाना नहीं है, तबीयत से मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, बस मुझे एक बात आप लोगों को बतानी है कि डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी राय लेनी है उनकी आगे मुझे एडमिशन कहाँ लेना है इस बारे में। हाँ गाइस मैं भी जाने वाला हूँ मेडिकल फील्ड में, तो मुझे सब मेरे लिए प्रे करो यार कि अच्छा कॉलेज मिले और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो। हाँ मार्क्स के बारे में अगर बात करूँ तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और एवरेज से भी नीचे अब आ चुका हूँ, तो मैं पास हुआ हूँ यही बहुत है मेरे लिए। वेट करने का नाम ही नहीं लेते लोग ज़रा सा भी। हमें भी इधर से ही जाना है गाइस, बिकॉज हमें जाना है हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल से इधर से हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं। तो ये है जालना MIDC, आप लोगों ने अभी तक किसी भी व्लॉग में मैंने आपको जालना MIDC नहीं दिखाई है, तो इस व्लॉग में मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये जो पूरा पोल्यूशन भरा पड़ा है इधर दिखाने में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग थिंग है ऐसी कुछ भी कोई भी बात नहीं है, बस हम लोग आए हैं इसलिए मैं बताता हूँ, बिकॉज मुझे पोल्यूशन भरा एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और वही का एनवायरनमेंट मुझे पसंद है, मतलब ऐसे कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर मुझे नेचर ही पसंद है गाइस।
चलाई जगह कुट जाए बस। हेलो, तो गाइस डॉक्टर हमारे साथ थे, मतलब डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, इसीलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाया आगे। और मुझे एक भाई भी मिल गया था, फिर उसे जहाँ जाना था वहाँ ड्रॉप कर दिए। उसके बाद गए हम हॉस्पिटल, मुझे कॉल आ गया था तो उनसे भी बात कर लिए, इसलिए व्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो अभी करते हैं स्टार्ट हमारा डेली ऑब्जर्वेशन। एक बार घर पर पूछ लेते हैं गाइस कि कुछ लाना है सिटी से या नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो गाइस कुछ ऐसी है हमारी सिटी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम लगा रहता है हमेशा का ही है यार ये। एक भी कोई भी फोर व्हीलर अगर घुसती है बीच में तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। हाँ अंकल, आप थोड़े से परेशान लग रहे हो, आप चले जाओ। अभी ये घुसेगा, अगर ये घुसेगा इधर स्ट्रेट रास्ते पे तो 100% ट्रैफिक जाम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंकल जाने दो, अंकल भाई पूरा रास्ता खाली है सामने, उस अकेले बंदे ने पूरे लोगों को रोक के रखा था। अरे बच्चू, अरे भैया क्या कर रहा है तू? दादाजी पाता है बाबा तो सीन, बाबा ने माला पण थांबून टोला। वाह, मानना पड़ेगा दादाजी को। गाइज यहाँ पे एक प्रवेश द्वार था जो कि टूट चुका है, आप लोग क्या कह सकते हो, दरवाज़ा था यहाँ पर एक जो कि टूट चुका है अभी, और उसकी मरम्मत करने वाले थे शायद, लेकिन बाद में उनका मतलब गवर्नमेंट का क्या बिल चेंज हो गया, मतलब थॉट्स चेंज हो गए और फिर उन्होंने उसे गिरा दिया।